राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको उपाय तो बताऊंगी, लेकिन साथ में आपको मैंने एक बहुत ही बढ़िया एक जो है स्टोरी सुनी और मुझे लगा कि मेरे YouTube परिवार को भी ये स्टोरी जो है वो जरूर सुननी चाहिए। और आज मैं आपको छोटी सी बस सिर्फ आपके 2 से 3 मिनट भी नहीं वो लगेंगे, लेकिन मैं आपको एक जो चीज बताऊंगी और उसका जो आपको एक मोरल जो आपको मिलेगा उस स्टोरी से, तो आपको समझ में आएगा कि जिंदगी में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दर्शकों, क्या है कि देखिए, एक बार एक कमरे के अंदर 5 दिए जो है वो जल रहे थे। और 5 दियों में से जो है एक दिया ने क्या कहा कि 5 दिए जल रहे थे कि मेरी रोशनी से जो है, जो पहला दिया था उसने कहा मेरी रोशनी से लोगों को कदर ही नहीं है, मेरी रोशनी की लोगों को कदर ही नहीं है, तो ऐसा क्यों ना क्या मतलब मैं ऐसा जो है इसे तो बढ़िया ऐसा हो कि मैं बुझ ही जाऊं। तो उस दिए ने कहा कि बेहतर होगा कि मैं बुझ जाऊं, और उसने खुद को जो है वो व्यर्थ समझकर उस दिए ने अपने आप को बुझा लिया। वो दिया जो था वो उत्साह का प्रतीक था, यानी कि उत्साह का दिया था, यानी कि 5 दिए जो जल रहे थे उसमें से एक दिया जो उत्साह का दिया था, उसने कहा कि मेरी रोशनी से किसी को कोई कदर ही नहीं है, मेरी रोशनी की किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। तो रोशनी का फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि देखिए दिया जलने से भी हमें रोशनी पड़ती है। जब हमारे को दिए की कदर कब होती है, जब हमारे पास लाइट नहीं होती है, तो एक मोमबत्ती की कदर भी हमें होती है कि हाँ ये मोमबत्ती भी घर में होनी चाहिए, जिस वक्त लाइट चली जाए या आपका इन्वर्टर खराब हो जाए, कुछ हो जाए। तो उसने जो है अपने आप को व्यर्थ समझकर, उत्साह के दिए ने अपने आप को व्यर्थ समझकर उसने अपने आप को बुझा लिया। उसके बाद ये सब जो दूसरे नंबर का जो दिया था वो था शांति का दिया। उसने कहा उत्साह ने अपने आप को तो है बुझा लिया, और मैं शांति का इतना जलने के बाद भी लोगों के अंदर शांति नहीं है, लोगों के अंदर जो है कदर नहीं है, तो उसने भी अपने आप को व्यर्थ समझकर, शांति के दिए ने भी अपने आप को व्यर्थ समझकर जो है अपने आप को बुझा लिया। तो देखिए, 2 दिए बुझ गए, अब वो 5 दियों में से 2 दिए बुझ गए, एक उत्साह का दिया बुझ गया और एक शांति का दिया बुझ गया। उसके बाद शांति का दिया जब बुझ गया, तो उसके बाद जो हिम्मत का दिया था उसने क्या किया, अपनी हिम्मत हार गया। और उसके बाद जो वो दिया जो था हिम्मत का था, उसने जैसे वो भी उसने देखा कि 2 दिए मेरे बुझ गए हैं, और उसने भी अपने आप को बुझा लिया। तो इस प्रकार से हिम्मत का दिया भी बुझ गया। अब हिम्मत के 3 दिए जब आप देख रहा था कि चौथा दिया जो था इन 3 दियों को बुझता हुआ दिख रहा था, उत्साह का दिया बुझ गया, शांति का दिया बुझ गया, हिम्मत का जो दिया बुझ गया, जो चौथा दिया जो था वो समृद्धि का दिया था। तो उसने कहा कि उत्साह भी गया, शांति भी गई, और जो है हिम्मत भी गई, तो समृद्धि का दिया भी अपने आप ही बुझ गया, उसने भी अपने आप को बुझा लिया। उसके बाद जो है 4 दिए जब बुझ गए, तो 5वां दिया जो है अभी तक जल रहा था, और उस कमरे के अंदर एक ठक्कर करके आवाज आई, और एकदम से बच्चा जो है एंटर हुआ। उसने देखा, उसने यदि वो बड़ा खुश हुआ वो बच्चा, और वो देखा कि उसने कि 5.5 दिए तो बुझ गए। उसको इस बात से दुख नहीं हुआ कि 5.5 दिए बुझ गए, उसको इस बात से खुशी हुई कि एक दिया तो जल रहा है, एक दिया जो जल रहा है। उसने क्या किया, उस दिए को उठाया और बाकी के 5 दिए जो है उसे जला दिए। तो वो कौन सा दिया था दर्शकों, क्या आपको पता है वो कौन सा दिया था? वो दिया था उम्मीद का दिया। अगर हम उम्मीद नहीं खोते हैं, हम अपनी हार नहीं मानते हैं, हम उम्मीद को जगाए रखते हैं अपने अंदर, तो हमारे जीवन में कभी भी हार नहीं होती है। तो ऐसे ही उम्मीद का दिया जो है वो जला के रखिए। ये जो वक्त है ये गुजर जाएगा और अच्छा वक्त आएगा। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि बुध का साल है, तो ये बुध का साल है, तो आपको आप देखिए लोग कितने कैलकुलेटिव होकर नए कामों की तरफ घुस रहे हैं, अपने काम छोड़कर दूसरे कामों में घुस रहे हैं। तो इसमें जो है ये जो साल है ये आपको खाली नहीं बैठने देगा, ये आपको भूखा नहीं मरने पर देगा। अगर आपके अंदर बुद्धि है, अगर आपके अंदर समर्थ्य है, आपके अंदर बुद्धि है, तो आप जो है वो खाली नहीं बैठ पाएंगे। और मैं जानती हूँ कि इस साल में हमें अपने जो है लोगों के साथ में बहुत ही जो है दुख की स्थितियां हमारे सामने आई है। हमारा कोई पड़ोस में किसी की डेथ हो गई, किसी रिश्तेदार में डेथ हो गई, कई अपनों को भी आप लोगों ने खोया होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी उम्मीद का जो दिया है वो जला कर रखें, और अपने घर के नॉर्थ में, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, अपने घर के नॉर्थ में आपने क्या करना है, आपने एक अशोका का पेड़ जो है लगाना है। अशोका का पेड़ लगाने से हमारे घर में अकाल मृत्यु की शक्तियां
जो है वो एंटर नहीं कर पाती है, और अकाल मृत्यु की शक्तियां जब एंटर नहीं कर पाती है तो हमारे घर में सुख समृद्धि के साधन जो है वो बढ़ते हैं। आप अपने घर के नॉर्थ में लगाएंगे, अपने घर के नॉर्थ में, अगर आपके घर के नॉर्थ में नहीं कोई जगह है, आप वहां पर नहीं लगा सकते, तो घर के अंदर तो इसको लगा नहीं सकते हैं। और दिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो किसी भी दिन लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि अकाल मृत्यु की शक्ति, क्योंकि ये तो सब कुछ देखिए, मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ये तो देखिए जैसा करा होगा इंसान ने कर्म, वैसे उसको भुगतने पड़ेंगे। तो ये हम जो ये कलयुग में हम लोग रह रहे हैं, और कलयुग में जो है जो देखिए जो हमारा पहले मैंने आपको बताया था कुंडली के चार भाव जो होते हैं, पहला होता है सतयुग, उसके बाद जो है द्वापर युग, त्रेता युग, फिर उसके बाद जो है ये कलयुग जो हमारा दसवां घर है वो हमारा कलयुग है। तो कलयुग में जैसा आप करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। तो अगर आप अच्छे कर्म होंगे आपके तो आपको अच्छा कर्म अच्छे फल मिलेंगे। और जो लोग आज की डेट में जो मर रहे हैं या कुछ ऐसे उनके कुछ कर्म तो उनने भी कुछ ऐसे किए होंगे जो उनको लवारिस लाशों की तरह वो लोग मर रहे हैं, और उनको जो है ना अपने सगे संबंधी होते हुए भी आपको जो है क्या हो रहा है कि हमारे जो अपने सगे संबंधी है वो भी हमको देखने नहीं आ पाते, वो भी हमारे जनाजे में जो है वो शामिल नहीं हो पाते हैं। तो कैसा क्या है, देखिए एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होगी शायद उनको समझ में आएगा। जब भी कहते हैं कि ग्यारहवें भाव में बृहस्पति आता है, तो ग्यारहवें भाव में बृहस्पति आता है तो कफन का जो है ऐसा इंसान ऐसी जगह पर जाकर मरता है जहां पर उसे कफन भी नसीब नहीं होता है। तो आप अगर देखें, अगर कुंडली देखें वर्ल्ड, अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखें तो काल पुरुष की कुंडली में ग्यारहवें भाव में बृहस्पति अभी चल रहा है, तो कफन भी पराया नसीब ना हो, अपना कफन भी नसीब ना हो। तो यही सिचुएशन जो है हमारे देश की इस वक्त चल रही है, हमारी पूरी दुनिया की चल रही है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली जो है वो पूरी वर्ल्ड में और पूरे यूनिवर्स में पूरी जगह पर ये जो है वो लागू होगी। तो ग्यारहवें घर में बृहस्पति जो होता है वो कहता है कि अच्छे कर्म कर, सत्कर्म कर, पुण्य कर्म कर, ब्राह्मणों की सेवा कर। और क्या कहते हैं, कई लोग जो होते हैं ना ब्राह्मणों के लिए बड़े एकदम से जो है खुंदक खा जाते हैं, कहते हैं जो है क्या कर, क्या गुरु में क्या दिख रहा है, इतने मोटे मोटे हो रहे हैं, चाय के किलो दाल उनको दिख रहे आएंगे और मोटे हो जाएंगे, वो तो बैठे बैठे लोगों का खा रहे हैं। देखिए वो उनके कर्म थे पिछले जन्म के कि उनको भगवान की भक्ति या ठाकुर जी की भक्ति उनको मिली, कि उनके पिछले जन्म के कर्म थे, वो इस जन्म में क्या कर रहे हैं हमें उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप अपने कर्मों को ठीक कर रहे हैं तो कर्मों को सुधारिए, सभी चीजें ठीक होंगी। और जो मैंने आपको बताया कि उम्मीद का दिया अपने अंदर जला के रखिए, और जो मैंने आपको उपाय बताए हैं आज बहुत ही अच्छा उपाय, मैंने आपको सिर्फ एक उपाय बताया है कि अकाल मृत्यु की शक्तियों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने घर के नॉर्थ में आपको अशोका का पेड़ जो है वो लगाना चाहिए। अशोका का पेड़ का मतलब कहता अशोक, यानी कि आपके घर में कोई शोक नहीं बचा, तो यह काल मृत्यु की शक्तियों से आपको बचाता है। और घर के बाहर भी लगा देते हैं तो भी सही है, किसी दिन भी लगाएंगे तो भी सही है, लेकिन शुभ मुहूर्त पर अगर आप इसे जो है ना वैसे कहते हैं अश्लेषा नक्षत्र जब पड़े तो इस टाइम पीरियड पर लगाया हुआ अशोका का पेड़ आपके जीवन में बाहर ला देता है। तो अश्लेषा नक्षत्र आप गूगल से चेक कर सकते हैं कि कब पड़ेगा, और लेकिन जो है अगर आप किसी भी दिन लगा देंगे, सोमवार के दिन लगा दीजिए, बृहस्पतिवार के दिन लगा लीजिए, शनिवार के दिन लगा लीजिए, अच्छे नक्षत्र में लगा लीजिए, किसी शुभ योग में लगा लीजिए, गुरु पुष्य नक्षत्र में लगा लीजिए, तो आपके लिए शुभ फल ही देगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो सोमवार वाले दिन लगा लीजिए, बहुत ही बढ़िया आपके लिए जो है शुभ फल आपको मिलेगा। और लेकिन घर के नॉर्थ की डायरेक्शन में जो उत्तर दिशा होती है वहीं आपको लगाना है, किसी और दिशा में आपको नहीं लगाना है। तो दर्शकों रखिएगा अपनों का ख्याल और जो है ध्यान रखिएगा अपनों का, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हमसे कोई इंसान दूर चले जाता है तो हम उससे बारे में सोचते हैं कि यार उसके उससे कुछ हालचाल उसका पूछ लिया होता, कुछ उससे बात कर ली होती तो अच्छा होता। तो ऐसा ना होने दे अपने साथ भी। तो ध्यान रखिए अपना भी, और अपनी कुंडली का विश्लेषण अगर आप करवाना चाहते हैं, कुंडली के डिटेल में बात करना चाहते हैं, तो आप मुझसे नीचे दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। राधे राधे।